सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है यार, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, थोड़ा साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूले, जिससे आपको हमारे चैनल के न्यू अपडेट्स मिलते रहेंगे। हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नईम, आप देख रहे हैं टेक वन नेटवर्क। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक बेहतरीन वीडियो, तो आइए शुरू करते हैं। तो जिन यूजर्स को MI 9 का बेसब्री से इंतजार था अपने Redmi Note 4 के लिए, उन लोगों को आज बता दूं कि आज फिलहाल पब्लिकली MI 9 का जो बीटा वर्जन है वो आज आ चुका है। तो इसके लिए आपको MI का ग्लोबल फॉर्म ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। इसके बाद में आप ऊपर देख सकते हैं MIUI 9 ग्लोबल बीटा रोम 7.8.10 आ चुकी है। आप इसके अंदर आसानी से देख सकते हैं, इन्होंने बता रखा है कि फर्स्ट पेज में कौन कौन से डिवाइस है, Redmi Note 4 है, इसके अलावा इन्होंने MI 6 दिया है, सेकंड पेज में इन्होंने MI मिक्स है, MI Note 2, MI 5, MI 5S Plus, MI X और Redmi का 4 और 4X दे रखा है। थर्ड पेज में इन्होंने Redmi 2, Redmi 2 Prime, MI 3, Redmi Note 3 और Redmi Note 3 का इसके एडिशन और 3S Prime दे रखा है। अब फिलहाल रही बात इसको अपग्रेड कैसे करें, तो जो लोग MIUI 7 और MIUI 8 काम में ले रहे हैं स्टेबल रोम, तो उनको फास्ट बूट मेथड के जरिए इनको MIUI 9 मिलेगा, और जो लोग MIUI 8 का ग्लोबल बीटा रोम कर चुके हैं वो अपडेटर में चेक करके भी इनको कर सकते हैं, या फिर सीधा रिकवरी मेन्यू से भी MIUI 9 को फ्लैश कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे फ्लैश के ऑप्शन दिया, आपको वहाँ पे क्लिक करना होगा। इसमें इन्होंने पूरी डिटेल दे रखी है कि कैसे आपको फ्लैश करना होगा। आपको इसको फ्लैश करने के लिए सबसे पहले अगर स्टेबल रोम है आपके पास तो आप इसको एम से, अगर आपको नोगट में जाना है तो इसके लिए आपको सबसे पहले फास्ट बूट अपडेट से रिकवरी करना होगा, क्योंकि रिकवरी में इसमें डिवाइस का फेलियर हो सकता है रोम, तो आपको रिकवरी मेन्यू से नहीं होगा, इसको फास्ट बूट मेथड के जरिए ही होगा। और अगर आपने इसको बीटा रोम कर रखा है तब आपके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इसके अंदर बहुत सारे फीचर आए हैं MIUI 9 के अंदर, जैसे कि मल्टी विंडो दिया है इन्होंने, इसके बाद में कुछ इम्प्रूव साइलेंट मोड में भी इम्प्रूवमेंट किया है इन्होंने, ऑप्टिमाइजेशन में इम्प्रूवेशन किया है, सेटिंग में भी इन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ लिंक दे रखा है, MI 6 का भी दे रखा है, Redmi Note 4 का भी दे रखा है, रिकवरी मेन्यू भी है, फास्ट बूट है। तो आपको इस लिंक पर जैसे ही क्लिक करोगे आप लोग, तो यहाँ से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऊपर मेरे स्लाइड पे भी डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो आप इसे बहुत ही आसानी से डाउनलोड करके, अगर आपके पास स्टेबल रोम है तो आपको फास्ट बूट मेथड के जरिए करना होगा, और अगर आपने बीटा वर्जन डाउनलोड कर रखा है तो आप रिकवरी के थ्रू भी आसानी से वर्क कर सकते हैं। सो फ्रेंड, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब।